भगत सिंह का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। देश के इस वीर सपूत ने आजादी की जो अलग जगाई थी, वे आज भी उनके विचारों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा है। बता दें कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर को हुआ था। आज आपको बताएंगे कि रग रग में जोश भरने वाले उनके विचार आखिर कौन से थे जिसने देश को आज़ाद दिलाने में मदद की थी। आज भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ऐसे में उनके क्या विचारधाराएं थी, वे क्या मानते थे जिसने लोगों में उत्साह और उमंग भर दी थी, उन विचारों के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज़ादी के 77 साल बाद भी भगत सिंह का ये नारा रग रग में देशभक्ति और जुनून को भर देता है। भारत के इतिहास में कई राजपूत वीर सपूतों का नाम दर्ज है, जिसमें से एक भगत सिंह आज भी अपने जज्बे और देश के लिए अपने प्यार के लिए याद किए जाते हैं। 28 सितंबर 1907 में पश्चिम बंगाल यानी कि अब वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, उसमें जन्मे भगत सिंह से देशभक्त की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसका उदाहरण आज भी लोग देते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने वाले भगत सिंह ने 24 साल की छोटी सी उम्र में शहादत को गले लगा लिया था। अपनी बहादुरी और देश की आज़ादी के लिए अपनी दीवानगी से उन्होंने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। अपना जीवन भारत पर न्योछावर करने वाले भगत सिंह को 23/1931 में फांसी दी गई थी। जी हाँ, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई और उनकी लगाई गई आज़ादी की चिंगारी ने आग बनकर पूरे ब्रिटिश शासन को जला डाला। उनके जोश से भरपूर विचार आज भी लोगों को जिंदा दिली से भर देते हैं। ऐसे में भगत सिंह की इस जयंती के मौके पर जानते हैं कुछ ऐसे ही जोश और ऊर्जा से भरने वाले उनके कुछ विचार। भगत सिंह के अनुसार आपका जीवन तभी सफल हो सकता है जब आपका निश्चित लक्ष्य हो और आप उनके लिए पूरी तरह से समर्पित भी हों। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। जी हाँ, ये विचार है भगत सिंह के। अगर बहरों को सुनना है तो आवाज़ बहुत तेज़ होनी चाहिए। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है देश की आज़ादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा ही नहीं सकता। जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है पर मैं कैद रहकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ भी तो इनकलाब लिखा जाता है। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। जी हाँ, ये वही विचार हैं जो भगत सिंह ने लिखे, जो भगत सिंह ने कहे, जिनको पढ़कर और जिनको सुनकर लोगों के मन में आज भी खून उबाल मारता है। फिलहाल के लिए इतना ही। भगत सिंह की इस जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।